आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, यंग के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई 0.1 मिलीमीटर है। यदि पर्दे की स्लिट से दूरी दोगुनी तथा स्लिटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6400 एंगस्ट्रॉम से बदलकर 4000 एंगस्ट्रॉम कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, हमें बतानी है। ठीक है, तो देखिए हमें पहली स्थिति से हम जाएंगे और दूसरी स्थिति से। तो पहली स्थिति से हमें बोला जा रहा है कि यंग के दूसरे प्रयोग में जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो 0.1 मिलीमीटर है। ठीक है, मान ले रहे हैं ये डी बना मान ले रहे हैं। ठीक है, और पर्दे की जो दूरी है वो हम मान ले रहे हैं क्या है, कैपिटल डी से सूचित कर दे रहे हैं। ठीक है, एक प्रकाश स्रोत है एस, इससे प्रकाश उत्सर्जित होती है तो हमें यहाँ पे फ्रिंज हमें मिलेंगी, दीप्त फ्रिंज मान ले रहे हैं पी प्राप्त हो रहा है, और केंद्र पे भी व्यतिकरण में हमें दीप्त फ्रिंज ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो पहली स्थिति में डी वन हमें दिया हुआ है 0.1 मिलीमीटर के बराबर, और पर्दे की स्लिट से दूरी क्या कर दी जा रही है, दोगुनी कर दी जा रही है, और स्लिटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 से बदलकर 4000 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है, मतलब पहली स्थिति में लैम्डा वन हमें 6400 एंगस्ट्रॉम था। ठीक है, और डी ये स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी डी थी। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम बीटा वन फ्रिंज की चौड़ाई लिखेंगे तो क्या होगा, लैम्डा डी बटा डी, मतलब इस मान के लिए हमें चौड़ाई फ्रिंज की क्या होगी, लैम्डा डी बाई डी से निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा वन लिख ले रहे हैं। ठीक है, और डी और डी यहाँ पे वन है, यहाँ पे डी वन लिख दे रहे हैं पहली स्थिति में। ठीक है, ये समीकरण एक हो गया। अब क्या करते हैं, हम दूसरी समीकरण लिखते हैं। जब दूसरी स्थिति में जब स्लिट की जब क्या कर दी जा रही है, स्लिट की जो दूरी है उसे पर्दे से स्लिट की दूरी को दोगुनी तथा स्लिटों के बीच की दूरी को आधी कर दी जा रही है, मतलब डी टू जो है वो डी वन बाई दो है, और डी टू जो स्लिट से पर्दे की दूरी है ये दोगुनी कर दी जा रही है, मतलब पहले से दो डी वन कर दी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे ये डी वन अगर हम मान ले रहे हैं तो इसके लिए अब हमारे पास चौड़ाई क्या हो जाएगी, बीटा टू ये हो गया, और इसके लिए तरंग दैर्ध्य लैम्डा टू 4000 हो जा रहा है। ठीक है, तो लैम्डा टू कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ठीक, तो यहाँ से ये क्या लिखेंगे, लैम्डा टू डी टू बटा डी टू। ठीक है, ये समीकरण दो हो गया। अब दोनों स्थिति में अगर हम तुलना करेंगे फ्रिंज में, तो पहली स्थिति में देखिए यंग के फ्रिंज में जो पहली स्थिति थी उसमें फ्रिंज की चौड़ाई 0.1 मिलीमीटर दी हुई थी, मतलब बीटा वन का मान 0.1 मिलीमीटर था। ठीक है, तो इसे हम बाद में पुट करेंगे, अभी दो समीकरण है। तो यहाँ से अगर हम बीटा वन बटा बीटा टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा वन बटा बीटा टू, तो ये हो जाएगा लैम्डा वन डी वन बटा डी वन बटा लैम्डा टू डी टू बटा डी टू। ठीक है, तो यहाँ से हो गया लैम्डा वन डी वन बटा डी वन गुने डी टू बटा लैम्डा टू इंटू डी टू। ठीक है, अब यहाँ पे डी वन और डी टू का मान रखेंगे तो बीटा वन बटा बीटा टू कितना हो जाएगा, लैम्डा वन बटा डी वन गुने डी टू का मान जो है वो पहले से आधा है, मतलब डी टू का मान डी वन बटा दो है, तो ये हो गया डी वन बटा दो बटा लैम्डा टू गुने, और ये जो डी टू है, ठीक है, डी टू का मान क्या है, दो गुने डी वन, तो ये हो जाएगा दो डी वन के बराबर। ठीक है, तो बीटा टू बटा बीटा वन जो है वो हो गया लैम्डा वन डी वन बटा डी वन, ठीक है, गुने ये हो गया डी वन बटा दो लैम्डा टू गुने दो डी वन के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए डी वन कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से बीटा वन बटा बीटा टू, यहाँ पे भी ये बीटा वन बटा बीटा टू है, बीटा वन बटा बीटा टू कितना आ जाएगा, यहाँ से लैम्डा वन बटा दो लैम्डा टू के बराबर, यहाँ से दो गुने दो ये चार लैम्डा टू हो जाएगा। ठीक है, चार लैम्डा टू के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से बीटा बीटा टू अगर हम निकालेंगे तो बीटा टू बराबर क्या हो गया, यहाँ से ये हो जाएगा बीटा वन गुने चार लैम्डा टू बटा बीटा ये लैम्डा वन। ठीक है,
लैम्डा वन। अब यहाँ से बीटा टू बराबर कितना हो जाएगा, बीटा वन का मान कितना दिया हुआ था 0.1 मिलीमीटर, तो ये जगह 0.1 × 10³⁻³ गुने 4 गुने लैम्डा टू का मान था 4000 एंगस्ट्रॉम, तो इसे मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4000 × 10⁻¹० मीटर बटा लैम्डा वन का मान कितना था, लैम्डा वन का मान था 6400 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो गया 6400 × 10⁻¹० मीटर के बराबर। तो यहाँ से बीटा टू आ गया, तो ये हो जाएगा 2.5 × 10⁻¹⁴ मीटर, तो बीटा टू बराबर अगर हम मिलीमीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 मिलीमीटर के बराबर। तो अब दूसरी स्थिति में जो चौड़ाई हो जाएगी फ्रिंज की वो कितनी हो जाएगी, 0.25 मिलीमीटर। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।